कैन में आपका एक बार फिर स्वागत है। बातचीत के सिलसिले को जोड़ने के लिए एक बार फिर से हम हाजिर हैं। सवाल यह है कि एक स्पेशल मैरिज कॉन्स्टिट्यूशन में एक उसका एक हिस्सा है, उसमें कानून में उसकी एक अलग से प्रोविजन है। उसके अलावा जो बहुत सारी बातें हैं, मैंने कहा कि ये तालिबानी सोच कैसे, तालिबानी सोच इससे है कि इस देश में सबको हक है बराबर का, सोचने का, समझने का, अपनी बात कहने का, मतलब ये अपने हक के बात कही जा सकती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कोई कहे कि औरतों को कैद कर देना चाहिए। प्रधानमंत्री लाल किले की प्राचीर से कहते हैं कि सैनिक स्कूल के दरवाजे महिलाओं के लिए खोल दिए जाने चाहिए। और कोई ये कहे कि 12 साल की उम्र में लड़के लड़कियों को अलग कर देना चाहिए क्योंकि उनके बीच में शैतान आ जाता है, ये सोच क्या है? जनाबे आली इलियास साहब, हंसिए मत, ये पीढ़ी माफ नहीं करेगी आपको। मौलाना, पीढ़ी देख रही है आपको। इलियास शराफुद्दीन साहब, पीढ़ी माफ नहीं करेगी आपको और बिल्कुल माफ नहीं करेगी। और ये मुल्क कॉन्स्टिट्यूशन से, यहां के आईन से चलता है, किसी के इदारे में नहीं है। इलियास साहब बोलिए, आप बच्चियों को बचाइए। मैं ऑथेंटिक बात करता हूं। आप कैसी ऑथेंटिक बात करते हैं इलियास साहब? नो प्लीज लिसन मी। आप कैसी ऑथेंटिक बात करते हैं? आप कहते हैं कि जो लड़के लड़कियां पढ़ते हैं उसमें 75% लोगों का, लड़के लड़कियों का रेप होता है। ये कैसी सोच है आपकी? आप तो अमेरिका की बात करने लगते हैं। अभी तो आप कह रहे थे अमेरिकन सोसाइटी सबसे खराब सोसाइटी है। इलियास दोहरी तलवार मत बनिए, अपनी बात करिए। ये मुल्क आजाद मुल्क है और इसकी सोच आजाद है। आप लोग बच्चियों की इज्जत को दांव पे क्यों लगा रहे हैं? नहीं, एक सेकंड, प्रतीक शहजाद सुनने वाला, मंदिर में मासूम बच्ची का रेप हो गया, आरएसएस के आतंकवादी हर जगह भरे हुए। मैंने फिर आपसे कहा क्यों का? प्रतीक जी, मैं आपको मौका दूंगा। प्रतीक जी, आप जवाब दीजिएगा, मैं मौका दूंगा। ये बार बार किसी को आतंकवादी नहीं, अपने गिरेबान में झांकी है, उसके बाद बोलिए। शहजाद पुनावाला, किसी को कहने का किसी को कोई हक नहीं। इलियास शराफुद्दीन, किसी को कुछ कहने का हक नहीं। प्रतीक जी, हाँ जी बोलिए। शहजाद पुनावाला जी, एक एक करके बात रखते हैं, ऐसे बात करने में मुश्किल भी होती है और जनता को समझ में भी नहीं आता। लॉजिक के साथ, पढ़े लिखे लोग हैं, अमेरिकी रिपोर्ट्स के हवाले। हाँ जी प्रतीक जी, अमेरिकी रिपोर्ट्स का हवाला दिया जा रहा है तो अमेरिकी की रिपोर्ट बोलती है कि मदरसे में आतंकवाद की तालीम भी दी जाती है, तो उसको भी मान लेना चाहिए। केवल एक रिपोर्ट क्यों उठा रहे हैं, सारी रिपोर्टें उठाते हैं। दूसरी बात करता हूं, गुलजार साहब ने कहा किस तरीके से, देखिए इस्लाम को हमेशा बोला जाता है ये समानता का धर्म है, पर गुलजार साहब के इस्लाम में महिलाएं और मर्द एक नहीं है, उनके लिए अलग अलग पैमाने हैं। मर्द तो टीवी पर आ सकता है पर महिलाएं नहीं आ सकती, ये शैतानी सोच है। मैं गुलजार से पूछना चाहता हूं, मैं साहब भी नहीं बोलूंगा इनको, मैं गुलजार से पूछना चाहता हूं, अगर संविधान समानता की बात करता है और तुम्हारा शरिया बोलता है कि समानता नहीं होगी, तुम शरिया को चुनोगे या संविधान को? सवाल गुलजार आजमी, सवाल सुनिए। संविधान की दफा 25 ये कहती है कि हम अपने मजहब पर अमल करने के लिए आजाद है। आर्टिकल 14 समानता की बात करता है, आर्टिकल 14 समानता की बात करता है। 25 आर्टिकल 14 नहीं पढ़ा आपने? 21 बुनियादी अधिकार जीने का देता है। 21 नहीं पढ़ा आपने? केवल 25 पर अटक गए हो क्या? नहीं, और 25 भी जो है वो रिस्ट्रिक्शन के साथ है। 25 का मतलब ये नहीं है कि महिलाओं और मर्दों में आप अंतर करेंगे। 25 का मतलब ये नहीं है कि आप शरिया लागू कर देंगे संविधान के ऊपर। 25 का मतलब ये नहीं है कि आप महिलाओं को वस्तु समझेंगे। 25 का मतलब ये नहीं है कि आप बच्चियों को शिक्षा नहीं देंगे। 25 का मतलब ये नहीं है कि आप अपनी 7वीं शताब्दी की सोच 21वीं शताब्दी के नए भारत पे थोपेंगे। 25 का मतलब ये नहीं है कि नए भारत की परिकल्पना जिसमें महिलाएं और मर्दों का इक्वल हिस्सा होना चाहिए उसको आप नहीं मानेंगे। अगर आपको ऐसा करना है तो आपके लिए एक देश नहीं बहुत सारे देश बने हुए, चले जाइए पहिए पर लटक कर। सुनिए, आपके बाप का हिंदुस्तान नहीं है जो आप हमको भेजने की बात कर रहे हैं? इस मुल्क की आजादी और ना ये तालिबानी सोच रखने वाले लोगों के बाप का हिंदुस्तान है। अगर आपको तालिबानी सोच रखनी है तो बगल में दो मुल्क है, चले जाइए पकड़कर, पहिया पकड़कर चले जाइए। दो मुल्क है तालिबानी सोच वाले, पकड़कर चले जाइए। जो तालिबान को पॉजिटिव समझते हैं ना, उनके लिए दो मुल्क है बगल में, बोले तो पहुंचा दूं। हमने इस मुल्क की आजादी के लिए खून बहाया, अंग्रेजों की गुलामी पे आ गए, समझे? टीवी पर बैठकर जहर फैलाओ, अभी तो अमेरिकन बता रहे थे, महिलाओं के खिलाफ,
और तुम हमें अंग्रेजों का गुलाम बोलो। मैं तुम हो अंग्रेजों के गुलाम, तुमने माफी मांगी अंग्रेजों से, तुम क्या अच्छा। बात करोगे हमसे? अच्छा अच्छा हाँ, और मेरे बाप दादा ने, मेरे बाप दादा ने किसी से माफी नहीं मांगी, और मेरे बाप दादा ने 400 स्क्वायर फीट के कमरे को जेल भी नहीं बुलाया। तो आप बात छोड़ दो उसकी, बात ये करो संविधान ऊपर है तुम्हारे लिए या शरिया? चुनो सवाल, सवाल पे आइए, सवाल पे, सवाल पे, सवाल पे। इस मुल्क में क्या रहेगा, इस मुल्क में होगा क्या, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है जी। आजादी, बराबरी, हुकूम जी, जवाब दीजिए गुलजार साहब, जवाब दीजिए, दीजिए जवाब। मैं तो जवाब दे रहा हूँ ना। हाँ जी, आप बीच में क्यों बोल रहे हैं? बोलिए कुरान बढ़िया संविधान, आप बीच में क्यों बोल रहे हैं? बोलिए कुरान बढ़िया संविधान, संविधान बढ़िया संविधान, कुरान बढ़िया संविधान, बोलो ना कुरान बढ़िया, कुरान। जो शहजाद पुनावाला ने सवाल पूछा था, शहजाद पुनावाला ने एक सवाल पूछा है आपसे, वो सवाल है गुलजार आजमी साहब, बहुत बेसिक सवाल है जी। शहजाद पुनावाला सवाल आपका, फिर से एक बार दोहराइए, शहजाद पुनावाला सवाल एक बार फिर से दोहराइए। यही है जी गुलजार साहब, आपके लिए सवाल यही है, आप कुरान को ऊपर रखते हो या संविधान को, आप शरिया को ऊपर रखते हो या संविधान को? शरिया, शरिया या संविधान? संविधान, शरिया या संविधान, ये सवाल है। शरिया, मैं बता रहा हूँ ना, शरिया और ऐसी आजादी दिलाई थी इन्होंने, ये है, ये है, देखिए ये इनका असली चेहरा, यार जवाब दे दीजिए, ये इनका असली चेहरा है, सुन लीजिए प्रतीक जी, जवाब दे दीजिए बिल्कुल। ये तालिबान से अलग कैसे हुए, ये आईसिस से अलग कैसे हुए, ये तालिबान और आईसिस से कैसे अलग हुए? और आप बात करते हैं भारत को आजादी दिलाने की, भारत को आजादी दिलाने वाले लोगों ने भारत में संविधान कायम करने की लड़ाई लड़ी, भारत में तिरंगा को ऊंचा लहराने की लड़ाई लड़ी, भारत एक निजाम, कानून के निजाम से चले उसकी कवायद की, ये भारत की आजादी की लड़ाई है, संविधान को शरिया से बदलने की लड़ाई भारत में नहीं, वो कहीं और लड़ी जा रही है, और उसको हम आतंकवाद कहते हैं। आपको अब आप कहिए जो चाहिए वो कहिए, हमको दस्तूर की दफा 25 ने और दस्तूर की दफा 30 ने यह हक दिया है कि हम अपने मजहब पर अमल करें, अपने मजहब को माने, अपने मजहब का प्रचार अच्छा, करें। आपके हिसाब से महिलाओं को दूसरे दर्जे का शहरी बना देना चाहिए, आपके हिसाब से महिलाओं को हकूक नहीं मिलने चाहिए, आपके हिसाब से मर्दों के लिए और महिलाओं के लिए अलग नियम होने चाहिए, मर्द तो टीवी पर आ जाए वो तो हलाल है और महिलाएं आ जाए तो हराम है। अरे आप जो समझे आप समझा रहे हैं, पूरे देश में आप ही समझा रहे हैं और आपके बिरादर भी समझा रहे हैं। निदा रहमान, निदा रहमान,